हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स बाय अमित बब्बर। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ हर घर में, हर ऑफिस में, या कहूँ तो हर जगह यूज होने वाला प्रोडक्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर की। आज के टाइम में इतनी डस्ट और इतना पॉल्यूशन है कि उस पॉल्यूशन में या उस डस्ट के बीच में रहना काफी दिक्कत वाला होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल लेटेस्ट अमेरिकन माइक्रोनिक्स का वैक्यूम क्लीनर, जी हाँ, उसके खुद के काफी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने भी वाला हूँ, और उसे कैसे यूज करना है, हाउ टू असेंबल, वो भी बताने वाला हूँ ताकि आप उसे इजीली असेंबल कर सकें और इजीली उसको यूज कर सकें। सबसे पहले अगर मैं इसकी बॉक्स की बात करूँ तो काफी अच्छा बॉक्स है, मल्टी कलर के अंदर इसका बॉक्स है जो कि देखने में काफी सुंदर और काफी बढ़िया लग रहा है। अगर मैं बाहर से बात करूँ, हम कोई भी वैक्यूम क्लीनर खरीदते हैं तो हमारे मन में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, क्या वो वेट के लिए यूज हो पाएगा या सिर्फ ड्राई के लिए यूज होगा या उसे हम कैसे यूज करेंगे। तो इन्हीं चीजों में काफी सारी स्टडी करने के बाद मैंने लिया है अमेरिकन माइक्रोनिक्स का वैक्यूम क्लीनर, जिसमें काफी सारे जो एडवांटेजेस हैं उसमें एक एडवांटेज जो मेजर है वो है कि इसके अंदर आप वेट एंड ड्राई, जी हाँ, वेट एंड ड्राई दोनों चीजें क्लीन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसमें ब्लोअर भी है, उसी के साथ साथ 21 लीटर, जी हाँ, 21 लीटर की बड़ी कैपेसिटी है जिसमें कि आप अच्छे से वैक्यूम मतलब क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं और इसके बारे में और इसके हर चीज इसके रिव्यू देता हूं आपको। सबसे पहले हम इसका बॉक्स नीचे रख देते हैं, काफी अच्छी कंपनी ने पैकिंग करी है ताकि अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो भी आपको कोई मिसहैंडलिंग का या ब्रेकेज का चांस ना रहे। अब इसे ओपन करते हैं हम इस तरीके से। आपको पूरे 1 ईयर की इसमें वारंटी मिल जाने वाली है अमेरिकन माइक्रोनिक्स के द्वारा, मतलब वारंटी कार्ड इसके अंदर ही है। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की वारंटी में खासियत है, क्या खासियत है मैं आपको वो बताता हूं। आपने जस्ट इसमें कंप्लेंट रजिस्टर करानी है अगर आपको कोई कंप्लेंट आती है तो, और उसमें आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलने वाली है। 1 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 ईयर के बाद भी आपको सर्विस मिलेगी बट वो चार्जेबल होगी। जी हाँ, आपने जस्ट कंप्लेंट रजिस्टर कराई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। पैन इंडिया में इनकी होम सर्विस है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। जी, आपने जस्ट कॉल किया, आपका प्रोडक्ट वो लेके जाएंगे, आफ्टर रिपेयर आपको दोबारा मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी, इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है और बहुत जल्दी आपको आपका प्रोडक्ट दोबारा से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि आपने इसे कैसे यूज करना है, कैसे आप इसे असेंबल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे आगे ओपन करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं पैकिंग की बात करूं तो काफी इको फ्रेंडली पैकिंग कंपनी ने की है, कहीं पे भी थर्माकोल का यूज नहीं किया बिकॉज थर्माकोल हमारे को पोल्यूटेड करता है और मतलब एयर के लिए भी सही नहीं है। इसी का ध्यान रखते हुए कंपनी ने बोर्ड लिया है, बोर्ड से इसका पैकिंग करी है जो कि स्ट्रेंथ में भी काफी अच्छी है और उसका खराब होने का चांसेस भी कम है। अब इसके जो पार्ट्स हैं, मैं सबसे पहले वो रखता हूँ कि व्हील्स है जो कि नीचे लग जाने वाले हैं, और क्या क्या है, काफी अच्छी सॉलिड हॉस पाइप है, इस तरीके से फ्लेक्सिबल हॉस पाइप है ताकि आप अच्छे से उसमें जो डस्ट है वो अच्छे से इसमें आ सके। सक्शन पावर भी इसका काफी अच्छा है। अब इसकी अगर मैं लुक्स की बात करूं तो अपने आप में ही काफी सुंदर इसकी लुक्स भी है और काफी स्टाइलिश भी है। अब इसके बॉक्स में क्या क्या मेंशन्ड है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले अमेरिकन माइक्रोनिक्स का ये जो मॉडल, मतलब जो ये वैक्यूम क्लीनर है, इसका मॉडल नंबर है AMI VCD 21 जो कि है अपने आप में 1600 वॉट के अंदर। उसी के साथ साथ इसकी अगर मैं ड्रम कैपेसिटी की बात करूं तो वो अपने आप में ही काफी अच्छी है। जी हाँ, 21 लीटर की इसकी ड्रम कैपेसिटी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो 21 लीटर का है, ये इसके बॉक्स में मेंशन था। अब इसके जो फीचर्स है, जी हाँ, इसके खुद में ही काफी अच्छे, काफी वास्ट फीचर्स है। अब मैं आपको एक एक करके वो लिस्ट भी कराता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके मेन फीचर्स की, वेट एंड ड्राई दोनों में ये वर्क करने वाला है, चाहे वो गीला हो या सूखा हो, दोनों ही डस्ट आपको इसमें कलेक्ट करने वाला इसमें फीचर है इसके अंदर। 1600 वॉट पावरफुल मोटर हो गया इसमें, मल्टीपर्पज ब्लोअर फंक्शन, जी हाँ, मल्टीपर्पज ब्लोअर फंक्शन भी है कि अगर आपने कहीं छोटे छोटे पत्तियां हैं गार्डन में आप यूज कर रहे हैं या कहीं पेपर है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है, तो आप ब्लोअर से उसे हटा भी सकते हैं, इसके अंदर एक ब्लोअर भी है। उसी के साथ साथ हाई एफिशिएंसी हेपा फिल्टर, जी हाँ, हेपा फिल्टर के काफी सारे खुद के ही एडवांटेज होते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई छोटा पेट है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पेट के अंदर से निकलते हैं जो कि एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, बट हेपा फिल्टर इसके अंदर इनबिल्ट है तो उसमें क्या है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं वो एयर को प्यूरीफाई कर देते हैं। आपको एयर प्यूरीफायर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके पास ये वैक्यूम क्लीनर है तो। जी हाँ, एयर को क्लीन करता है, साथ साथ वैक्यूम क्लीन करता है, उसी के साथ साथ एयर को प्यूरीफाई भी करता है बिकॉज इसके अंदर हेपा फिल्टर है। अब अमेरिकन माइक्रोनिक्स का जो वैक्यूम क्लीनर है ये क्यों खास है, इसका एक और फीचर भी है जो कि बाकी वैक्यूम क्लीनर में आपको शायद नहीं मिलने वाला है। मेन क्या है कि सपोज करो इसका हेपा फिल्टर है जिसकी लाइफ
अप्रोक्सीमेट 6-7 महीने आपकी उसकी लाइफ होती है। बट अगर एक बार आपका हेपा फिल्टर खराब हो गया तो ये नहीं आपको पूरा का पूरा वैक्यूम क्लीनर दोबारा से परचेज करना है। या सपोज करो कि अगर आपका कोई भी पार्ट है, जैसे ये हॉर्स रॉड है, अगर ये खराब हो गई तो आपको पूरा वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया, ऐसा नहीं है। अमेरिकन माइक्रोनिक्स के हर प्रोडक्ट के हर स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है। सपोज अगर आप हेपा फिल्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ हेपा फिल्टर भी परचेज कर सकते हैं। जस्ट आप ऑनलाइन जाएं, हेपा फिल्टर मतलब परचेज करें और इसी सेम मॉडल का आपको अमेरिकन माइक्रोनिक्स का ही हेपा फिल्टर आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं, या कहूं तो कोई भी स्पेयर पार्ट आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं। अब उसी के साथ साथ ये वॉशेबल रियूजेबल डस्ट बैग, जी हाँ मैं इसकी बात करूं, ये आपका ड्राई चीजों में यूज होगा, वेट में नहीं यूज होगा। जब आप ड्राई चीज, कोई भी ड्राई चीज में अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं तो जस्ट इसे लगा दीजिए और सारा का सारा ड्राई वेस्ट इसमें कलेक्ट हो जाएगा। इसे कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ ओवरहीट प्रोटेक्शन है, जी हाँ, अगर ये ज्यादा टाइम चलता है, ओवरहीट होता है तो अपने आप ऑटो कट हो जाएगा या थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। कभी भी इसकी मोटर खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें कॉपर मोटर है, जी हाँ, कॉपर वाइंडिंग की हुई है कंपनी ने, कोई एल्यूमिनियम वाइंडिंग नहीं है कि हल्का सा गर्म हुआ और मोटर फूक गई, ऐसा नहीं है, कॉपर वाइंडिंग के साथ ये प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ टू वेट एंड ड्राई यूज ब्रशेज, जी हाँ, मैं बात करूं इस तरीके से एक वेट और एक ड्राई के लिए कंपनी ने ब्रशेज दिए हुए इस तरीके से अलग अलग, इसको भी कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। टू एक्स्ट्रा ब्रश फॉर डीप स्पॉट्स, टू एक्सटेंशन पाइप एंड फ्लेक्सिबल होस, 5 मीटर कॉर्ड फॉर कन्वीनियंस, जी हाँ, काफी लंबी 5 मीटर की इन्होंने रोड प्रोवाइड की है। इसका क्या एडवांटेज है कि सपोज पूरे घर में आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो 5 मीटर की रोड का होना काफी बढ़िया रहता है, काफी अच्छी कोड है इसकी, 5 मीटर की काफी लंबी कोड हो जाती है। हैंडल एंड बिग व्हील्स फॉर पोर्टेबिलिटी, जी हाँ, इसमें आप हैंडल है, अगर आप कैरी करना चाहें आप कैरी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हील्स लगाना चाहें तो व्हील्स भी लगा सकते हैं ताकि आप इधर उधर कर रहे हैं तो कोई स्क्रैच ना आए और इजिली वो रोटेट भी हो सके। अब इसके व्हील्स को और इसको कैसे असेंबल करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट उससे पहले एक जो मेन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अमेरिकन माइक्रोनिक्स के वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपको जो सक्शन पावर है वो सबसे ज्यादा है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 28 kPa सक्शन पावर, जो कि सबसे ज्यादा है। बाकी अगर मैं वैक्यूम क्लीनर की बात करूं तो वो आपको 20 से 22 kPa सक्शन पावर के अंदर मिलेगा, बट इसके अंदर 28, जो कि एक अपने आप में ही मेजर एडवांटेज है। दो मेजर एडवांटेज मैंने आपको बताया, एक इसका हेपा फिल्टर एंड एक kPa 28। जी आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी वैक्यूम क्लीनर खरीदे कोशिश करिए अमेरिकन माइक्रोनिक्स का ही खरीदे, उससे आपको प्राइस में भी इकोनॉमिकल है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, और रिजल्ट की अगर मैं बात करूं रिजल्ट भी काफी बढ़िया रिजल्ट है। अब मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं, क्योंकि प्राइस हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो जस्ट 11,850, जी हाँ, 11,850 इसकी एमआरपी है, बट उसमें आप काफी अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप वहां से परचेज करते हैं तो। और अब मैं इसे कैसे असेंबल करते हैं, कैसे इसे यूज करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ और डेमो भी दिखाने वाला हूँ। अब सबसे पहले इसमें व्हील्स कैसे लगाने हैं, जो कि बहुत इजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जंबो व्हील्स है, दो व्हील्स है, इस तरीके से यहाँ पे लग जाने वाला है, इस तरीके से जस्ट आपने इसे ऐसे किया और ये लग गया एक व्हील। अब सेकंड व्हील लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, काफी इजी है इसे असेंबल करना, इसमें व्हील्स लगाना बहुत इजी है। ये आगे वाले दो व्हील्स लग चुके हैं, सॉरी पीछे वाले, अब आगे वाले भी दो व्हील्स है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पे आपको ये होल दिख रहे होंगे, इस तरीके से जस्ट यहाँ पे ऐसे किया और ये होल अंदर चले गया इस तरीके से। और अब दूसरे वाला व्हील कहाँ है जी, ये रहा इसका दूसरा, जस्ट आपने ऐसे किया और उसके बाद प्रेस कर देना है अंदर की तरफ, जब आप प्रेस करेंगे वो इजीली अंदर चला जाएगा। ये इसके व्हील्स का सेटअप था जो कि मैंने किया, अब आप इधर उधर इसे रोटेट कर सकते हैं, इजीली रोटेट हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसके जो हॉर्स पाइप है उसे हम लगाते हैं, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसमें बड़े वाला ब्रैकेट है इस तरीके से लग गया, और अगर निकालना है तो जस्ट हल्का सा प्रेस करिए, बाहर खींच दीजिए, निकल जाएगा, इस तरीके से लग गया। अब इस तरीके से हो गया, ऊपर इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब इसे ओपन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ओपन करने का तरीका भी काफ़ी ईजी है, जस्ट आपने इसे ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद इसे ऐसे, और ये खुल गया। इस हेपा फिल्टर की मैं आपसे बात कर रहा था, ये इसका जो हेपा फिल्टर है ये काफी अच्छा है, इसके काफी सारे यूसेज हैं, काफी सारे एडवांटेज है। छोटे से छोटा पार्टिकल भी ये सक कर लेता है ताकि एयर भी आपका प्यूरीफाई रहे और इसका काम भी आपका बरकरार रहे, ये इसका एक काफी अच्छा एडवांटेज है। अब हम इसकी रॉड को इधर रख देते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इस बैग की बात करूं, जैसे सपोज आप ड्राई चीजों में यूज कर रहे हैं तो जस्ट इसका बैग यहाँ पे आपने ऐसे रखा इस तरीके से,
ये खुल जाता है इस तरीके से और जस्ट इधर ऐसे आपने लगा दिया। कुछ नहीं करना, कोई इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आपने इसे लगा दिया। और जब आपने इसे ओपन करना है तो इसे आप यहाँ से रोटेट करके इसे ओपन कर सकते हैं, बट अभी हम इसे बंद रहने देते हैं। अब इसका हेपा फिल्टर भी हम अंदर डाल देते हैं और अब हम इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से ब्रैकेट बंद हो गया। तो इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे पेपर्स हैं, काफी मुश्किल हो जाता है इन सबको कलेक्ट करना, बट हमारे पास वैक्यूम क्लीनर है अमेरिकन माइक्रोनिक्स का, तो हम इसे इजीली कैसे साफ करते हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अब जस्ट हमने इसे चालू किया, प्ले किया, अब इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ईजिली अगर मैं बात करूँ, ये देखो कुछ भी नहीं बचा, नॉट अ सिंगल एक पेपर भी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो जस्ट इस तरीके से ये देखिए मतलब इजीली आपका सोफा वगैरह भी साफ हो जा रहा है इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ऐसे। अब इसमें अगर आप तेज करना चाहते हैं तो इसे आप पीछे कर सकते हैं, आगे करेंगे तो धीरे धीरे सक करेगा। अभी जैसे कि मैंने बंद कर दिया, विद इन फ्यू सेकंड देख रहे हैं आप सारा का सारा ये साफ हो चुका है, कोई यहाँ पे डस्ट नहीं है। और अगर हम दोबारा से एक बार करें, अब मैं इसमें दूसरा आपको प्रोडक्ट आगे का एडजस्टमेंट लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको एक बार दोबारा से इसे ओपन करके इसे यूज करने का कैसे तरीका है वो आपको बता देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमने किया था मैट्स के ऊपर किया था जो कि ड्राई चीजों के लिए था, अब हम वेट के लिए इसका डेमो करने वाले हैं। तो वेट के लिए आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इसे ओपन करना है। अगर आपने मतलब हम वेट के लिए कर रहे हैं, अगर आपने ये बैग लगाया हुआ है तो ये निकालना है, क्योंकि ये वेट चीजों के लिए नहीं है, सिर्फ ड्राई चीजों के लिए। तो हम इसे हटा देते हैं, इधर रख देते हैं। तो हम वेट चीजों के लिए इसका डेमो करने वाले हैं। इस तरीके से इसके अंदर पानी है, मैं पानी यहाँ पे गिर देता हूँ। अगर छोटे बच्चे आपके घर में या कहीं आपके पास पेट है, अगर पेट ने पी कर दिया तो उसे आपको बार बार पोछा यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसका वैक्यूम क्लीनर ऑन करिए। अभी हम वेट चीज का इसमें आपको डेमो भी देने वाला हूँ और ये हमने एडजस्टमेंट भी वेट के हिसाब से लगाया है। अब हम इसे चालू करेंगे ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में पता लग जाए। जस्ट ये देखो, एक ही बारी में सारा का सारा साफ, कितने अच्छे से साफ हो रहा है। हमने बंद कर दिया, काफी अच्छी क्वांटिटी में मैंने पानी गिरा था, अब एक सिंगल ड्रॉप भी पानी का यहाँ पे नहीं है। तो ये इसका एक काफी अच्छा मेजर एडवांटेज है, चाहे आप इसे ड्राई के लिए यूज कर रहे हैं या वेट के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों में ही ये काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा इसमें सक्सेस है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंच पाता है, उसमें आप ये नैरो वाला यूज कर सकते हैं, कारपेट है कारपेट में आप ये वाला यूज कर सकते हैं, और वेट चीजों के लिए हमने ये वाला यूज किया, इस्तेमाल किया है, जो कि इसके एडजस्टमेंट्स हैं, इसके अटैचमेंट्स हैं। ये इसके बारे में ऑल ओवर था। इसके बारे में अगर आप और कुछ पूछना चाहें मुझसे तो आप मेरा कमेंट सेक्शन है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप ये परचेज करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके खुद में ही काफी सारे एडवांटेजेस हैं, इसीलिए आज मैंने इसे परचेज भी किया और इसके आपको रिव्यू भी दिए और इसके बारे में आपको हर चीज डिटेल में बताई भी है। सो इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अमेरिकन माइक्रोनिक्स के अगर और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, काफी वास्ट रेंज है इनके प्रोडक्ट्स की, अगर आप वो परचेज करना चाहें वो भी परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स बाय अवनीत बब्बर। राधे राधे।